स्थापना दिवस आज पीएम ने किया जनता को संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, मौके पर कई सपा कार्यकर्ता मौजूद। से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी। मंदिर में सो रहे बुजुर्ग की हत्या, अपराध को अंजाम देकर आरोपी फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करें खबरों की। देश भर में 12 अक्टूबर को 28वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कई मौके पर जब भी दुनिया भटकी पर भारत ने हमेशा मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं, और मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, साथ ही अपना सहयोग कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है और राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। एनएचआरसी स्थापना दिवस आज, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया है। वर्चुअल इस कार्यक्रम में वो जुड़े और जनता के सामने तमाम पहलू रखे। गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर वो अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ चलता है। इसलिए जब गरीब के घर शौचालय बनता है, उसके घर बिजली पहुंचती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है, तो ये सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंचना ही नहीं होता, ये योजनाएं उसकी आवश्यकता पूरी कर रही हैं, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं, उसमें आकांक्षा जगा रही है। साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं उसके जीवन में डिग्निटी ला रही है, उसकी गरिमा बढ़ा रही है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। विजय यात्रा से चुनावी शंखनाद करने के लिए अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर पहुंच चुके हैं। वहीं कानपुर के जाजमऊ चुंगी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत के लिए मंगलवार सुबह से ही सपाइयों ने डेरा डाला हुआ था और हाथों में अखिलेश की तस्वीर लेकर सपा मुखिया का स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव की विजय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता और सपा समर्थक मौजूद हैं। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती देखी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां भरपूर थी। अगर बात की जाए तो इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि इस बार वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं, तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से तैयार है, उसकी बानगिन तस्वीरों में नजर आती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अखिलेश यादव ने आज विजय यात्रा निकाली है, ये विजय यात्रा कानपुर से शुरू हुई, कहां कहां पहुंचेगी और इसका सीधा संदेश क्या है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने जो विजय रथ यात्रा निकाली, उसका सीधा संदेश कानपुर से इसलिए शुरुआत की गई क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। कानपुर में सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीटें हैं, में से सिर्फ और सिर्फ जो है दो विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बाकी एक सपा एक कांग्रेस के खाते में और बाकी 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई हुई है। समाजवादी पार्टी कानपुर में अपनी जगह तलाश रही है क्योंकि जो खोया हुआ जनाधार है उसको एक बार फिर से कहीं ना कहीं रूटीन पर लाया जाए, और कानपुर में जो अभी हालिया जो घटनाएं हुई उसको देखकर कानपुर खास खास तौर पर चर्चा पे रहा है। इसी को देखते हुए कानपुर से विजय रथ यात्रा शुरुआत की गई है, जो जाजमऊ पुल होते हुए नौबस्ता पहुंचते हुए सीधे घाटमपुर जाएगी और घाटमपुर के बाद
कल इसकी शुरुआत हमीरपुर जिले में। बिल्कुल आशीष, अगर कानपुर की बात की जाए, देखिए कानपुर में शुरुआत की गई इस विजय यात्रा की। कानपुर जैसे कि आपने अभी बताया कि पिछले साल काफी ज्यादा विवादों में रहा है और इस बार भी कई आपराधिक घटनाएं आ रही, पूरी तरह से लाइमलाइट में रहा। लेकिन कानपुर में ये भी कहा जा सकता है कि एक वर्ग जो ऐसा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से नाराज नजर आता है। ऐसे में सपा को कितना फायदा यहाँ हो सकता है, जमीनी हकीकत क्या है, जनता क्या कहती है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में जो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा है वो एक तरह से जो है इसको माना जाए चुनावी स्टंट है। यानी कानपुर जो है अभी हाल ही में जो चर्चाओं का विषय बना रहा है, इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने रथ यात्रा कल निकालने का फैसला कानपुर से जरूर किया था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा परिणाम उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, उससे नाराज जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी होती हुई वो दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल आशीष, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही नजर आता है, चाहे हम उपचुनावों की बात कर ले उत्तर प्रदेश में या फिर हम प्रधानी के चुनावों की बात कर ले। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सपा दूसरे नंबर पर रही है हमेशा से ही, लेकिन कहीं ना कहीं सपा उन क्षेत्रों में भी हारी है जहां पर सपा का एक समय में वर्चस्व हुआ करता था। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें हैं सपा के लिए? बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उनके साथ में जो लोग हैं, जो भीड़ तंत्र है, वो उस उम्र से आता है जो एक नौजवान युवा है, लेकिन एक जो रणनीति होती है, एक जो पीछे थिंक टैंक होना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये हुजूम जरूर समाजवादी पार्टियों के लोगों का सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको वोटों में तब्दील कर पाना शायद इतना आसान नहीं लग रहा है जितना आसान अखिलेश यादव समझ रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आशीष अखिलेश यादव ने आज कहा है अपनी विजय यात्रा के दौरान कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती हैं जो कि मुख्य ऐसी हो जो बीजेपी के पास हो, तो उनके लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं उनको जीतना? बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं। आज इन्होंने कानपुर में बड़ा बयान दिया है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इन वोटर्स को जो है वोटों में तब्दील कर पाना यह अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। अखिलेश यादव प्रयास पूरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फिलहाल अभी तक सफल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो अखिलेश यादव के पक्ष में न जाकर कहीं और अपनी स्थिति बनाए हुए है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो अखिलेश यादव ने विजय यात्रा निकाली है, भारी संख्या में सपा समर्थक यहां पर मौजूद, लेकिन क्या ये सब वोटों में तब्दील हो पाएगा ये अहम सवाल है। 2022 की तैयारी पूरी है, अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह चुके हैं कि 400 से ज्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें उन्हें हासिल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फतेहाबाद के पूर्व विधायक छोटे लाल वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो अपने पूर्व प्रतिद्वंदी अशोक दीक्षित पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस टिप्पणी के बाद से ही ताज नगरी आगरा में सनातन प्रेमियों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। वहीं चाणक्य सेना की ओर से पूर्व विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है और कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व विधायक छोटे लाल वर्मा का बयान भी सामने आया। विधायक ने अपने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि पूर्व विधायक छोटे लाल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। चाणक्य सेना की ओर से पूर्व विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है, लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूर्व प्रतिद्वंदी अशोक दीक्षित पर वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए हैं। इस टिप्पणी के बाद से ही अगर बात की जाए तो चारों तरफ सनातन प्रेमियों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। वहीं चाणक्य सेना की ओर से पूर्व विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है और कार्रवाई ना करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस वीडियो में जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पर आपत्ति सनातन धर्म से जुड़े लोगों को है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक का ये कहना है कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उन्होंने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था।
सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, विधायक का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया अपने ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ। ऐसे में जब वीडियो सामने आया, लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, तो वो सामने आ गए हैं, कह रहे हैं कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूर्व विधायक हैं, फतेहाबाद से पूर्व विधायक हैं छोटेलाल वर्मा, जिनका ये अभी कुछ दिन पूर्व का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने जो उनके 2002 में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके जो प्रतिद्वंदी थे अशोक दीक्षित, उनके खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद पूरे आगरा में जमकर बवाल हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद जो पूर्व विधायक हैं वो सामने आ रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, पर ये जनाक्रोश अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या कोई कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुबह पुलिस कप्तान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सुसंगत धाराओं में इस पूरे मामले पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वीडियो की जांच की जाएगी, जिसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस कर पाएगी। फिलहाल विधायक ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, किसी समुदाय विशेष को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अमित। तो पूर्व विधायक छोटेलाल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि अपने ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर बवाल हो गया। हालांकि जब बवाल हुआ तो उन्होंने कहा है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक कंप्लेन दे दी गई है, शिकायत दे दी गई है, क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नजर रहेगी। तो यूपी की औरैया जिले में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बस भगवान भरोसे ही चल रही है। बता दें कि शिक्षा के मंदिर में विद्या पाने की आस में आए बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। वहीं अध्यापकों को लगातार देखा जाता है कि वो कोई भी सुध नहीं लेते और ना ही समय पर पहुंच पाते हैं। औरैया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्कूल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 इतने मामले नहीं हैं, ऐसे तमाम वीडियो हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ चुके हैं, जहां पर शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आती है। इससे पहले भी कभी टॉयलेट साफ करने का, कभी झाड़ू लगाने का, कभी कचरा उठाने का, कभी सफाई करने का, बच्चों के तमाम वीडियो ऐसे सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। ताजा मामला औरैया से सामने आया, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर विद्यालय की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक यहां पर मौजूद नहीं है। आसपास में जब जांच पड़ताल की गई, बातचीत करने की कोशिश की गई, तो ये सामने आया है कि ये जो स्कूल के टीचर्स हैं वो समय पर कभी भी नहीं आते हैं। बच्चे यहां पहुंचते हैं, अपने आप ही साफ सफाई करते हैं और खुद ही बस्ता खोलकर किताबें निकालकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना है। उस उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीरें ऐसी हैं, जहां पर मासूम बच्चों के हाथ में किताब तो नहीं है, लेकिन झाड़ू जरूर नजर आता है। और ये की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को अंधकार में भी धकेला जा रहा है। और ये का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मासूम बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, ना कि पढ़ते हुए। जो टीचर्स हैं स्कूल में मौजूद नहीं हैं। आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो समय पर कभी नहीं आते, कभी 1 घंटे के लिए आते हैं, कभी 2 घंटे के लिए। मासूम बच्चे यहाँ पर खुद ही साफ सफाई करते हैं, अपने बैठने का इंतजाम करते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि मासूम के हाथों में झाड़ू है। तो शिक्षा व्यवस्था यहां पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से लचर है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मासूम झाड़ू लगाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। किसी ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चे बस्ता टांग कर स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, शिक्षा के मंदिर में मासूमों के हाथों में किताबें तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन झाड़ू जरूर नजर आ रही हैं। स्कूल प्रबंधन कहाँ है?
जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई वीडियो ऐसे आए हैं जहां पर बच्चों से काम करवाना या उनसे बर्तन धुलवाना या फिर झाड़ू लगवाना कि मैं लगवाने के मामले सामने आके रहे। वही ये ताजा मामला सहार ब्लॉक के पुरवा मके का है, जहां पर सुबह जब बच्चे स्कूल गए तो वहां पे टीचर नहीं थे और काफी टाइम होने के बावजूद भी वहां पे बताया जा रहा टीचर नहीं पहुंचे। उसके बाद बच्चों ने खुद वहां पे साफ सफाई की, उसके बाद बैठे, लेकिन जब वहां पे टीचर की बात की गई वहां के जो ग्रामीण है उन्होंने बताया तो टीचर काफी लेट हमेशा ही आते हैं वहां पे, लगभग 10 से 1 बजे के बाद ही 11 बजे के आसपास ही वहां पे टीचर पहुंचते हैं। तो ये सब कुछ कितने समय से हो रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल देखिए, लगातार ये जैसा कि वहाँ के जो भी ग्रामीण है उनका कहना है कि लगातार ये यही चलता है, जैसे कि जो टीचर है वो हमेशा की तरह ही लेट आते हैं, बच्चे पहले पहुंच जाते हैं स्कूल, पहले स्कूल क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे टीचर है वो हमेशा लेट आते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, मान लिया कि बच्चे पहले पहुंच जाते हैं, टीचर्स बाद में आते हैं, लेकिन उन्हें झाड़ू लगाने के लिए किसने कहा है? अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जिस तरह से अगर ये झाड़ू लगाने की बात सामने आ रही है या वीडियो सामने आया, तो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होता होगा कि बच्चे जब पहले पहुंचे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को ही साफ सफाई करनी पड़ती होगी, क्योंकि जब टीचर पहले पहुंचेंगे वो बुलाएंगे सफाई करने में तब सफाई होगी, लेकिन जब बच्चे पहले पहुंच रहे हैं तो उनको ही जाहिर सी बात सफाई करनी पड़ती है, ये हमेशा से ही होगा, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण है, ग्रामीण कहना है कि टीचर हमेशा यहाँ लेट आते हैं और बच्चे जाके सफाई करते हैं, स्कूल उन्हें खुला मिलता है, जो भी वहाँ का जिसके पास भी वहाँ की चाबी होगी वो स्कूल खोल के रखते हैं, तो बिल्कुल एक ना एक बहुत बड़ी लापरवाही है इस शिक्षा को लेकर। चलिए ठीक है, अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं, पहले ऐसे तमाम वीडियो आ चुके हैं, एक्शन लेने की बात की जाती है, लेकिन बार बार ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, अगर एक्शन लेने की बात की जाए तो लगातार शिकायत ही पहुंचती है, वहां पे शिकायत की जाती है, कई बार ऐसा होता है वीडियो भी जो उच्च अधिकारी है बीएसए है उनके संज्ञान में जाता है, लेकिन जांच की बात कहकर ही वो मामला वहां से खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं पता चलता इसमें क्या कार्रवाई, जबकि अब वीडियो सामने आया अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना ही कॉलेज प्रबंधक की तरफ से, स्कूल प्रबंधक की तरफ से, ना ही जो उच्च अधिकारी है बीएसए वगैरह है जो भी जिले के अधिकारी उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। अच्छा, क्या आपने जानने की कोशिश की कि जो यहाँ के टीचर्स हैं वो क्यों लेट आते हैं, समय से क्यों नहीं पहुँचते, क्योंकि सरकारी आदेश है कि किसी भी कर्मचारियों को समय पे पहुंचना है? बिल्कुल, शासन का आदेश है समय पे, चाहे वो जिला के अधिकारी हों या फिर स्कूल के जो टीचर हैं वो हों, हर जो टाइम दिया गया है इनको, जो टाइमिंग है अपने ऑफिस की या स्कूल की, उस टाइमिंग पे पहुंचना है, लेकिन यहाँ के जो टीचर हैं वो लेट आ रहे हैं, उनके पास एक नया बहाना होता है, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी लेट हो गए, कभी बारिश होने लगी, इस तरह के, जिस तरह से वहाँ के जो ग्रामीणों से मेरी बात हुई वो बता रहे हैं कि हमेशा जब उनसे पूछने जाते हैं, कोई गार्जियंस पूछने जाता है बच्चों का, तो हमेशा यही कहते हैं कि मीटिंग थी, मीटिंग में पहले पहुंचे उसके बाद यहाँ पे आए, सुबह ऑफिस बुला लिया था, सुबह यहाँ बुला लिया था, ये कई तरीके बहाने बनाते हैं जब कोई पूछने जाता है, अन्यथा तो वो लेट आते ही होंगे, जब किसी दिन पूछ दिया तो यही। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे। तो आपने देखा किस तरह से अक्षय ने बताया, मेरे सहयोगी जो अभी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, कि वहां पर अध्यापक जो हैं वो लेट पहुंचते हैं, जो टीचर्स हैं वो समय से स्कूल नहीं पहुंचते, उनके पास रोज नया बहाना रहता है, खुद तो बहाना बना रहे हैं लेकिन बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलते हुए जरूर नजर आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही इस वीडियो के बारे में अभी तक अधिकारियों को पता है, लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं, क्या उन्हें वीडियो नजर नहीं आया? जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्हें क्या ये वीडियो नजर नहीं आया है? क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? शिक्षा व्यवस्था लचर है और आप देख सकते हैं कि मासूमों के हाथों में झाड़ू दिया हुआ है, वो झाड़ू लगा रहे हैं, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि टीचर्स लेट आते हैं, बच्चे पहुंच जाते हैं, बच्चे खुद ही साफ सफाई करते हैं, यहाँ पर कोई सफाई कर्मी भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर पलीता जरूर लगा रहा है। औरैया की तस्वीरें आप देख सकते हैं और औरैया है क्यों, इससे पहले भी हर साल ऐसे तमाम वीडियो सामने आते हैं जिन पर एक्शन लेने की बात की जाती है, लेकिन एक्शन लेने के बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। आगरा कैंट रेलवे संस्था पर चल रही रामलीला अपने आप में बेमिसाल है। बता दें कि यहां करीब 79 सालों से आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर
रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकार इसमें भाग लेते हैं। इसमें रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड रेलवे कर्मी, रेल कर्मचारियों के परिवार के लोग और आसपास के लोग रामलीला का मंचन करते हैं। और तो और, इस रामलीला में मुस्लिम समुदाय के लोग भी अभिनय करते नजर आते हैं। तो रेलवे संस्थान की रामलीला बेमिसाल है। करीब करीब 50 सालों से यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। मैं यहाँ श्री राम के चरित्र का अभिनय कर रहा हूँ। तकरीबन 3 वर्षों से मैं लगातार यहाँ अभिनय कर रहा हूँ। अरे, कब से रोल कर रहे हैं रामलीला में आप? मैं सन 1995 से यहाँ रोल कर रहा हूँ और कई लीलाओं का यहाँ मंचन कर रहा हूँ। कई पात्र मैंने अभिनय किए हैं मंचन। कैसा लग रहा है राम का रोल करते समय? राम का रोल लग के बहुत ही अलौकिक लग रहा है यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है राम का रोल करके। तो इस बार रामलीला हो रही है तो कैसा मन को लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है राम का रोल करके यहाँ पर। और लीला हो रही है, उदास थे हम कि परमिशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब परमिशन मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ रामलीला हो रही है। योगी जी ने परमिशन दी है तो किसके? धन्यवाद कहूँगा योगी जी को कि उन्होंने रामलीला जैसा परंपरा को बनाए रखा और इसमें सहयोग दिया लोगों का, ताकि वो रामलीला का मंचन कर पाएँ और राम के चरित्र को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं सीता जी का रोल कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह रोल पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी का है, जो एक सर्वश्रेष्ठ नारी थी। अच्छा, कितनी तैयारी करी है आप लोगों ने? हमने तैयारी बहुत करी है। अच्छा, रामलीला में अभिनय करने का मौका मिला, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है। मुझे ये मेरा पहली साल है जो मुझे मौका मिला सीता जी का रोल करने का, ये सर्वश्रेष्ठ नारी का रोल करने का। पिछली बार रामलीला नहीं हो पाई थी, कितने दुखी थे आप लोग? हम दुखी थे, नहीं हो पाई थी बहुत, पर इस साल हुई, हमें बहुत खुशी है। ठीक, मैं सन 2005 से कर रहा हूँ। अच्छा, बट लक्ष्मण का रोल मैं 2019 से कर रहा हूँ। कितनी खुशी होती है आप लोगों को? बहुत खुशी होती है। अच्छा सर, कितनी तैयारी करनी पड़ती है सर? बहुत तैयारी करनी पड़ती है हमें। अच्छा, पिछली बार नहीं रामलीला नहीं हो पाई थी? जी सर। अच्छा सर, हमारी रामलीला नहीं हो पाई थी कोरोना काल के चक्कर में। अच्छा जी, और इस बार? और इस बार सर हमें योगी जी से परमिशन मिल रही है तो हमारी रामलीला संपन्न हो रही है। हाँ, और बहुत हमें खुशी है कि हमें बहुत परमिशन मिल चुकी है हमें, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो हमारी राम की लीला हो रही है, बहुत खुश है आप लोग? जी सर। पिछली बार कितने मायूस थे? बहुत मायूस थे जे, हमारा बहुत मायूसी का वो था, बट पर प्रभु की कृपा थी इस साल हमारी हो गई। और अब खबर गाजीपुर से, जहां नुनहरा थाना क्षेत्र में एक सिरफरे आशिक ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि युवती ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे गुस्साए युवक ने युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गाजीपुर का एक पूरा मामला है, सिर्फ रियासिक ने युवती की हत्या कर दी। आप बता दें कि युवती को चाकू से गोद कर युवक ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे आक्रोशित होकर सिरफरे आशिक ने युवती पर चाकू से वार कर दिया। आज शाम को 7:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी चौकी पर, जो नुनहरा थाने की चौकी है कहवा मोड़, कि एक लड़का आया और उसने ये कहा कि एक लड़की है जिसे मैं चाहता था और वो मुझसे शादी करने से इनकार करी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चली चलो, उसने जब जाने से मना किया तो आज मैंने उसे चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत एसओ नुनहरा उसे लेके मौके पर गए और उस लड़की को ले आए, यहाँ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब यहाँ लाई गई तो डॉक्टरों ने बता दिया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। उस लड़के से पूछताछ की गई, उसने अपना नाम अभिषेक यादव पकई नार गांव बताया और ये भी बताया कि मैं इस लड़की को 4 साल से चाहता था, इससे बातचीत करता था शादी के लिए। मैंने कई बार इससे कहा, इसने कहा कि नहीं मेरे घर में बात मत करो, मेरे भाई और मेरे पिताजी तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। इसने लड़की को कहा भी कि तुम मेरे साथ भाग चलो, लड़की ने मना किया, तब इसने आज उसे बुला करके खेतों में चाकू मार दिया और इस तरह से इसकी डेथ हो गई। ये अभी पकड़ा जा चुका है।
बदायूं में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला उझानी कोतवाली के अढ़ौली गांव का, जहां मंदिर में सो रहे ग्राम प्रधान के बुजुर्ग पिता की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग हर रोज की तरह घर से खाना खाकर मंदिर में सोने गए थे, इसी बीच बदमाशों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।